नमस्कार, स्वागत है आपका एवरीडे गीता के आज के अंक में। प्रारंभ करते हैं गीता गायत्री से। ओम मोक्ष लक्ष्मीये च विद्महे संवित शक्तिये च धीमहि सानो गीता प्रचोदयात। 12 जनवरी का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज के दिन अवतरित हुए स्वामी विवेकानंद। प्रारंभ में उनका नाम नरेंद्र था और 12 जनवरी 1863 से लेके बहुत कम समय वो देह रूप में इस धरती पर रहे। ये सिर्फ 4 जुलाई 1902 का दिन था जब वो अपने इस रूप को छोड़कर चले गए। पर किस तरह जीना चाहिए और कैसा जीवन कल्याणकारी होता है पूरी मानवता के लिए, उसका जो एक साहसिक परिचय परतंत्र भारत में जन्मे हुए स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को दिया है, उस तरफ हम उनका जो गीता माता के साथ प्रेम था उसमें से 2 जो श्लोक उन्होंने कुछ पत्रों में भी जिनका उल्लेख किया उनकी तरफ भी हम आ जाएंगे। पर शुरुआत करते हैं अपने क्रम में। पहला जो अध्याय है इसमें अर्जुन संजय के साथ रथ को बीच में ले जाकर ये देखने के लिए कि कौन कौन युद्ध में आए हैं वो बात कह चुके हैं, उसी क्रम को आगे ले जा रहे हैं 26वें श्लोक से। तत्रा पश्चास्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातरान पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा ससुरान सुहृदश्चैव सेन योरु भयोरपि। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ हैं, उनके चाचा हैं, दादे परदादे, गुरु माँ मामा भाई पुत्र और पौत्रों को, मित्रों ससुरों और बाकी भाई बंधुओं को देखा। तान समीक्ष सकौंते यह सर्वान बंधुन वस्थितान कृपया परया विष्टो विषी दन्नी दम ब्रवीत। तो ये सारे जो अपने बंधु बांधव हैं उनको देखकर कुंती पुत्र अर्जुन बहुत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। तो उनके वचन जो कि 28वें श्लोक के उत्तरार्ध शुरू से शुरू होते हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे कल। पर बात करते हैं जब विवेकानंद की, तो मुझे स्मरण आता है जोधपुर शहर में जब हम विवेक पखवाड़ा मनाते थे उन दिनों में ये 2 पंक्तियां आई थी कि विवेकानंद को समर्पित, क्योंकि उनकी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर कवि गुरु ने कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के ओज से भरे हुए स्वामी विवेकानंद की वाणी के बारे में ये पंक्तियां आई थी कि उसकी एक एक बात का पहिया बनाकर बस्ती बस्ती में घुमाना चाहता हूं, प्यार और विश्वास में है सार सारा, सारी दुनिया को बताना चाहता हूं। तो मुख्य बात यह है कि विवेकानंद की बात को लेके चलना ऐसा है जैसे कि आप अपने हाथ में मशाल लेकर चल रहे हो और न केवल स्वयं पथ को ठीक से देख पा रहे हो, और ये पथ जिसकी बात हम कर रहे हैं वो जीवन का पथ है। विवेकानंद के कई वचन हैं जो कि बार बार स्मरण करने योग्य हैं, और ऐसा उनका कहना था कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं पुरुष या स्त्री नहीं हूँ। और ये जो वचन उनका था उसका उपसंहार या समापन यूं होता था कि मैं आत्मा हूँ, आई एम ही माई सोल। और इस बात के आसपास कुछ पंक्तियां एक गीत की बनी थी, मैं आत्मा हूँ मैं सत्य हूँ मैं चित्त हूँ मैं हूँ आनंद। मैं आत्मा
मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं हूँ आनंद। मैं सत्य का आधार हूँ, मैं देह के भी पार हूँ, बंधती विचारों में नहीं, मैं सत्य की वो धार हूँ। मैं आत्मा। तो जो जो सीमाएं हमें जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, हमारे अंदर के सर्वश्रेष्ठ को उजागर करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन पर विवेकानंद की वाणी जो प्रहार करती हैं, उसके संबंध में उन्होंने कहीं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को भी श्रीमद् भगवद गीता के संदेश के सार के रूप में कहा था। उस श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्लेब्यम माम स्म गमः पार्थ नेत तव्युप पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। इसका हिंदी अनुवाद है, इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब हम अलग से निकाल कर सिर्फ एक श्लोक को देख रहे हैं तो उसका पूरा संदर्भ भी देखना होगा कि किस तरह वो धनुष अपना छोड़कर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में आकर मोह से ग्रस्त होकर, संशय से ग्रस्त होकर वहां से पलटने के लिए तरह तरह के तर्क भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। विवेकानंद का जो व्यक्तित्व है, उनकी ये जो मुद्रा है खड़े होने की, उसमें सौम्यता के साथ साथ एक अदम्य साहस जैसे फूटता है, और वो साहस स्पष्टता का है, वो साहस ज्ञान का है, वो साहस सनातन परंपरा की धरोहर के साथ एक एक होने वाले इस वेदांत केसरी के व्यक्तित्व से आज भी हम तक प्रवाहित होकर आता है। तो उनके जन्मदिन पर ये बात याद करते हुए कि विवेकानंद का वचन ये भी था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा जो प्रवाह है ज्ञान का, वह भी इस वाक्य के आसपास होकर निकलता है। अर्जुन को उसके सही स्वरूप के बारे में अंतर्मुखी होकर चिंतन करने और स्पष्टता प्राप्त करने के बारे में भी श्री कृष्ण उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां पर बताते हैं। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने अलग अलग रूप में, अलग अलग संबोधनों में बताई। उनको प्रणाम करते हुए, आपको नमन करते हुए मंगल कामनाएं। विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाई जाती है, और युवा की परिभाषा को ऐसे भी कहा जा सकता है जिसमें सीखने की ललक बनी हुई है वो युवा है, और जिसने सीखने की ललक को छोड़ दिया है तो वो युवा नहीं है। तो आपका अंक आयु का जो भी बताता हो, राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए आप चिर युवा बने रहे श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर, ऐसी कामना के साथ में एवरीडे गीता के बारे में भी ये निवेदन करें कि अब आप सबकी प्रेरणा से हर दिन न्यूयॉर्क के समय में सुबह 7 बजे अपलोड शेड्यूल हो जाता है एवरीडे गीता का नया अंक यूट्यूब हैरम्ब स्टूडियो चैनल पर और फेसबुक में हैरम्ब स्टूडियो पेज पर। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर इत्यादि करके इस यज्ञ को विस्तृत करने में जो योगदान देने का सोच रहे उसको क्रियान्वित करने का यही क्षण है। तो आपका आभार व्यक्त करते हुए पुनः पुनः शुभकामनाएं।
No.